नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, वाक्य जो है सही है या गलत, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इस बारे में आज हम वीडियो में बताने जा रहे हैं बच्चों। तो छात्रों, सबसे पहले वाक्य है आपका कमलानी उद्याने विकसंती। अब छात्रों, यहाँ कमलानी बहुवचन शब्द है, कमलम कमले कमलानी, तो जब बहुवचन होगा संज्ञा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, जो हमने आपको बताया था लट लकार में क्रिया प्रथम पुरुष में ती तह अंति, यानी विकस धातु में हमने अंति लगा दिया तो बहुवचन बना विकसंती। तो ये बहुवचन है संज्ञा कमलानी, इसलिए विकसंती ये बहुवचन क्रिया हमने लगाई, इसलिए वाक्य क्या होगा बच्चों, शुद्ध वाक्य, इसलिए हम इसके आगे शुद्धम लिखेंगे। अब अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं छात्रों। अगला वाक्य है खगाः गृहे वसन्ति। तो इसमें कर्ता भी बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है, तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन मालूम है खगाः माने पक्षी, और पक्षी हमेशा कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर, तो ये गृह शब्द जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध होगा चाहे। अब मैं तीसरे वाक्य की ओर बढ़ रही हूँ, पितामह देशम रक्षति। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ता भी सही है, क्रिया भी सही है, पितामह एक वचन, क्रिया एक वचन, लेकिन यहाँ पर गलत ये है कि दादा यानी बूढ़े व्यक्ति दादाजी देश की रक्षा नहीं करते हैं, या तो यहाँ हम सैनिक कहा लिखेंगे, या फिर जो पाठ में आया है पितृव्यः चाचा जी, क्योंकि वो यंग है, जवान है, तो जवान ही देश की रक्षा करते हैं, इसलिए यहाँ पर सैनिक कहा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम पितृव्यः भी लिख सकते हैं। तो ये वाक्य पितामह लिखा होने के कारण ये वाक्य अशुद्ध है छात्रों। अब मैं अगले वाक्य की ओर पढ़ती हूँ, वयम नेत्राभ्याम खादामः। क्या ये वाक्य सही है, कर्ता क्रिया तो सही है कि वयम बहुवचन, तो आमह लगा बहुवचन, लेकिन हम सब नेत्रों से खाते हैं, ये वाक्य सही है नहीं, क्यों, क्योंकि नेत्रों से हम देखते हैं और मुंह से खाते हैं, तो क्रिया यहाँ पर पश्यामा होना चाहिए, यहाँ हमने क्रिया गलत लिख दी है, खादामा लिखी है, इसलिए छात्रों यह वाक्य भी अशुद्ध होगा। ठीक है छात्रों, अब अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं, पुस्तकालये जनाः भ्रमन्ति। अब जनाः बहुवचन है, भ्रमन्ति कर्ता क्रिया बिल्कुल सही है, लेकिन वाक्य शुद्ध नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय में लोग घूमते नहीं है, क्या करते हैं, भ्रमन्ति माने घूमते हैं, घूमते नहीं, कहाँ घूमते हैं लोग, उद्याने बगीचे में, तो यहाँ लोग पढ़ते हैं, तो क्रिया यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पठन्ति, तो यहाँ भ्रमन्ति क्रिया जो है गलत लिखी हुई है, यहाँ पर होना चाहिए पठन्ति, इसलिए ये क्रिया अशुद्ध होने के कारण ये वाक्य अशुद्ध है। तो छात्रों, इसी प्रकार अन्य वाक्य भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें आप बिल्कुल सोचकर समझकर शुद्ध और अशुद्ध उसके सामने लिखेंगे। धन्यवाद। और एक पाठ में दिए भी गए हैं पीछे, उनकी उनका हम और भी अभ्यास कराएंगे, उन काफ़ी सारे वाक्य दिए हुए शुद्ध अशुद्ध वाले, उन्हें हम जब हम ऑनलाइन कक्षा लेंगे तब हम उनको बताएंगे। तब तक के लिए इन पांचों वाक्यों को आप अपनी कॉपी में उतारें और लिखें। धन्यवाद।